दोस्तों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आईटीआई सेकेंड ईयर जो 12 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, आज उसके पेपर का एनालिसिस करना और आप मिला ही इस आंसू में कि आपकी कितने क्वेश्चन राइट है कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। कल मैं किसी काम की वजह से क्लास से अपलोड नहीं कर पाया और फर्स्ट ईयर का तो मैंने पेपर का एनालिसिस कर दिया था लेकिन सेकेंड ईयर का रह गया था और काफ़ी लगभग पूरे क्वेश्चन हमने जो बताया था आपको सुबह वहीं से पूरे क्वेश्चन आए हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको आगे भी CBT एग्जाम की तैयारी करना है तो उस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आगे भी आपको क्लास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी प्रकार पेपरों की और PDF फाइल तथा रॉ मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पर ऑल इंडिया के हजारों बच्चे जुड़ रहे हैं, जहाँ पर उनको काफ़ी सुविधा मिलती है। साथ ही हमने एग्जाम से पहले भी आपको मेरे हिसाब से लगभग 15-20 मिनट पहले पेपर शेयर किया था जिससे काफ़ी बच्चों को प्रॉफिट मिला। साथ ही दोस्तों आप अगर वहाँ से आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो रहा है तो आप खुद ITI CBT एग्जाम पेपर के नाम से सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, मैं भी ओनली इलेक्ट्रिशियन के लिए बता रहा हूँ। साथ ही अगर आप अन्य किसी ट्रेड से हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए या टेलीग्राम ग्रुप पर आकर बताइए कि सर हमारे पेपर का भी एनालिसिस कराओ, तो मैं वह भी करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। और आपका कल ये पेपर आया था, ठीक है? तो ये इस मैं जो ट्रेड दे रखी है सभी ट्रेड वाले बच्चे अपने पेपर का आंसर देके आए, उनका आप एनालिस किए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन राइट है कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। तो लगभग 3 घंटे का पेपर था और 50 नंबर का पेपर था। अब ये लगभग आपका पहला क्वेश्चन आया था, ड्राइंग द सिंबल N5 एज पर BIS 4, यानी आपको BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सिंबल बनाने थे यानी प्रतीक चिन्ह बनाने थे और लगभग ये 10 थे और 10 में से आपको 5 बनाने थे। तो पहला था आपका अर्थ का। तो दोस्तों अर्थ का जिस बंदे ने इस प्रकार बना के आया है उसका एकदम राइट है, मैं भी आपको आंसर में और दिखा दूंगा। फिर आगे बात करें तो मोस्ट फिट, अगर मोस्ट फिट आपका एक तो N प्रकार का होता है, एक P प्रकार का, ये भी मैं आपको आंसर में दिखा दूंगा। आगे SCR, दोस्तों SCR का प्रतीक चिन्ह एक तरह का पहले आपका एक इस प्रकार का डायोड बनेगा, फिर इसमें एक इस प्रकार गेट निकलेगा। तो यह है आपका एनोड, यह है कैथोड और यह है गेट, ठीक है? तो इस प्रकार का आपका ये SCR का बनेगा। आगे बंजर, दोस्तों देखो आपकी विद्युत घंटी होती है तो विद्युत घंटी का प्रतीक चिन्ह हमारे इस प्रकार का होता है, बंजर का जैसे इसका उल्टा होता है इस प्रकार, तो ये हो गया आपका बंजर का। जिस बंजर ने इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह बनाया बंजर का उसका एकदम राइट है। आगे दोस्तों आपका इंटरमीडिएट स्विच है, तो दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच होता है जो सामान्य दोस्तों इस प्रकार होता है, जिसमें आपका इस प्रकार होता है, जिसमें आप इस प्रकार करके और इस प्रकार करके आप ये भी कर सकते हो। तो एक तो ये होता है आपका इंटरमीडिएट स्विच का, इसके अलावा और भी होते हैं आप बना सकते हो सीधे, तो आपका ये हो गया। तो लगभग 5 प्रतीक चिन्ह हो चुके हैं। अब इधर वाले 5 प्रतीक चिन्ह देखते हैं दोस्तों। पहला आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, तो दोस्तों आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है वो दोस्तों आपका इस प्रकार का कैपेसिटर होता है, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको और दिखा दूंगा। फिर है 2A स्विच, दोस्तों 2A स्विच का सामान्य प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है, अगर आपने इस प्रकार बनाया तो आपका राइट है। फिर है डायक, तो दोस्तों डायक का अगर आपने इस प्रकार बना के आया है एग्जाम में तो ये हो गया आपका डायक, ठीक है? तो ये हो गया M1 M2, ठीक है? यह है आपका M1 और ये आपका M2। फिर है करंट ट्रांसफॉर्म, दोस्तों करंट ट्रांसफॉर्म का एक तो सामान्य प्रतीक चिन्ह ये होता है, ठीक है? इसके अलावा करंट ट्रांसफार्मर का एक प्रतीक चिन्ह आपका ये होता है, अगर इस प्रकार करके आओ तो आपका राइट है। आगे दोस्तों UJT का मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपने UJT का इस प्रकार करके आया हो तो आपका एकदम राइट है, ठीक है? तो UJT का प्रतीक चिन्ह ये, मैं भी आपका आंसू की भी क्लियर कर दूंगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर दो है ड्राइंग द इंटर सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर। दूसरा इसी में दूसरा पूछा है, इन दोनों में से आपको एक करना था, ड्राइंग द ब्लॉक डायग्राम ऑफ SMPS, ठीक है? तो ये आपको था सिंगल मॉड्यूलेटर प्लेसर स्विच, ठीक है? आगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, ड्राइंग द सर्किट कनेक्टेड डायग्राम ऑफ 3-पॉइंट स्टार्टर। मैंने कल सुबह क्लास में आपको बताया था कि 5 AC के स्टार्टर है, 3 DC के, इनमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा तो आपका DC का पूछ दे। इसी वेले मैंने DC के आपको 2-3 पेपर हल्का थे, उन पेपर में भी DC मोटर का स्टार्टर था, ठीक है? आगे ड्राइंग द ब्लो डायग्राम ऑफ FM रेडियो रिसीवर, एक ये था। तो अब देखते हैं इनके आंसर का मिलान करते हैं। और आपका जो पहला क्वेश्चन है,
ये प्रतीक चिन्ह आपका करंट ट्रांसफर होगा। अगर आपने इस प्रकार बनाया है तो आपका एकदम राइट था। अब किस बच्चे ने किस प्रकार बनाया है, ये दोस्तों आपका जो प्रतीक चिन्ह है ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का। तो आपने इस प्रकार अगर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का ये बनाया या ये बनाया, यानी इसमें एक तो इस प्रकार ये मोटा आ रहा था, ये पतला आ रहा था, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट ये होता है, या इसमें एक इस प्रकार, तो आपने इस प्रकार बनाया तो ये भी आपका राइट था इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये दोस्तों आपके थे एन चैनल मोसफिट और पी चैनल मोसफिट। तो इस प्रकार का आपने कोई सा भी बनाया तो आपका एकदम राइट होगा, इन दोनों में से एक बनाना था, ठीक था, क्योंकि उसमें नाम नहीं दिया था कि ये एन चैनल या पी चैनल है। आगे दोस्तों ये आपका जो डायग्राम है ये आपका है ब्लॉक डायग्राम ऑफ SMPS यानी स्विच मोल्डेड पावर सप्लाई। तो ये था आपका उसका डायग्राम, ठीक है। तो आप ज़रूर मिलान कीजिए आपका SMPS का जो सर्किट डायग्राम था, तो ये इसका डायग्राम था। अगर आपने इसे किया तो आपका एकदम राइट था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, तो ये दोस्तों आपका है FM रिसीवर ब्लॉक डायग्राम। तो FM रिसीवर ब्लॉक डायग्राम का अगर आपने इस प्रकार का डायग्राम बनाया तो आपका राइट था, और इसमें कुछ कमी तो आप खुद देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। अब एग्जाम ये आ गया दोस्तों आपका थ्री पॉइंट स्टार्टर, यानी थ्री पॉइंट स्टार्टर में क्या था आपका स्टार्टिंग रजिस्टर लगाना था, और इसमें आपके जो कॉन्टैक्ट बिंदु थे ये इस प्रकार छह कॉन्टैक्ट बिंदु लगाने थे, और एक दूसरे को इस प्रकार श्रेणी क्रम में संयोजित करना था। ये आपका जो ये है सॉफ्ट आयरन ये आ गया, फिर ऑफ स्थिति में ये, इधर ऑन स्थिति में ये, ये स्टैंड हैंडल आ गया, स्प्रिंग आ गई, ओवर लोड ले आ गई, इधर ये क्या आपकी OLC ये आ गई NVC, ठीक है। तो इस प्रकार का आपने बनाया तो आपका एकदम राइट था। ये लास्ट वाला दोस्तों आपका जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर का था डायग्राम था, जो दोस्तों आपका ये था, अगर आपने इस प्रकार बनाया तो आपका ये भी एकदम राइट है। लास्ट में एक बार फिर से मैंने ये दूसरा एक और दिया आपका थ्री पॉइंट स्टार्टर, अगर आपने ऐसा बनाया तो आपका एकदम राइट था। तो ये था आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का इंजीनियर ड्राइंग का पेपर सेकेंड ईयर का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। शायद दोस्तों अगर चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे भी इसी प्रकार की क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।